फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल बिहारी स्कूल। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज नवरात्रि का पहला दिन है। सो विश यू हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस नवरात्रि ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, आप लोगों से एक बात बोलना था कि अभी तो हम लोग का थोड़ा फास्ट स्टार्ट है, 9 दिनों तक का फास्ट है, तो थोड़ा सा टफ होगा वीडियो बनाना। तो आप लोगों से बस यही कोशिश है कि हम लोग तो वीडियो प्रोवाइड करेंगे ही, जैसे भी होगा, जितना पॉसिबल होगा। आज थोड़ा वीडियो मैं शाम में अपलोड करूँगा, क्योंकि आज सुबह से थोड़ा पूजा वूजा करना था, बताया मैं कि 9 दिन का फास्ट है हम लोगों का, तो चीज़ें चलेंगी। और संडे के बाद हो सके तो 10 का भी जो भी वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और 12 के भी आर्ट्स के और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी आएंगे वीडियोस, और पीडीएफ के साथ। कल संडे है ना, तो कल पीडीएफ भी हो सके तो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये करना ना बहुत ज़्यादा ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि बिना शेयर और बिना सब्सक्राइब किए थोड़ा सा क्या होगा ना कि हम लोग का भी मोटिवेशन थोड़ा सा लूज होगा, और हम लोगों को भी लगेगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल पढ़िए, सब कुछ यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। तो बस आप लोग क्या कीजिए कि शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर 6th lesson द सोल्जर्स कंपोज बाई रूपर्ट ब्रूक। तो जैसा ही पता है आपको कि इंग्लिश पोएट्री का अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, तो आज हम लोग 6th lesson डिस्कस करने जा रहे हैं द सोल्जर, जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा कंपोज किया गया है। यह एक बहुत ही सुंदर पोयम है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पोयम है ये सोनेट है। सोनेट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको पहले ही कि सोनेट क्या बोलते हैं। सोनेट एक टाइप ऑफ पोएट्री होता है जिसमें 14 lines होते हैं। तो 14 lines का जो पोयम होता है उसे हम सोनेट बोलते हैं। तो आप लोग ऐसे एग्जाम में भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आ जाता है मतलब कि 14 lines के जो पोयम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो 14 lines का जो पोयम होता है उन्हें हम सोनेट के रूप में जानते हैं। सो हम लोग पोएम स्टार्ट करने के पहले पोएट के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पोएम लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिखे तो आप बुक से भी पोएम देख सकते हैं, मतलब कि लाइंस जो भी हैं पोएम्स के। और यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स लिखा है रूपर्ट ब्रूक के बारे में, जो हमारे ऑथर हैं इस सोल्जर पोएम के। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, रूपर्ट जो ब्रूक हैं उनका जन्म जो हुआ था वो 3 अगस्त 1887 को हुआ था, और वो डेथ किए थे 23 अप्रैल 1915। वैसे रूपर्ट ब्रूक का स्कूलिंग वगैरह सारा कुछ इंग्लैंड में हुआ था, उसके बाद उन्होंने एज अ सोल्जर नेवल में ज्वाइन किया था। नेवल मतलब कि जैसे कि हम लोग का इंडिया में आर्मी होता है ना, तो वैसे ही वो एक क्या थे, एक नेवी में वो एक सोल्जर थे। तो वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था, और World War I में उन्होंने परफॉर्म किया था, जो कि इंग्लैंड से थे। पता ही आप सबको पता ही होगा कि वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। तो 1914 में जो वर्ल्ड वार हुआ था वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इनको मतलब कि वॉर पोएट के भी नाम से जानते हैं। वॉर पोएट के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये एक सोल्जर थे, और मतलब कि बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग थी ये जब लिखते थे, तो उससे एक मतलब कि एक लहर टाइप का हुआ था, मतलब कि एक क्रांति टाइप की इनके पोएम में रहती थी, और मतलब कि इंग्लैंड में ये फेमस हो गए थे अपने इसी पोएम के लिखने की वजह से। और थोड़ा सा इनके पीछे मतलब कि है कुछ कहानियाँ हैं कि ये जा रहे थे, टर्की अभियान था जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे वो जा रहे थे, तो एक स्काइरोस आइसलैंड था, आइलैंड था स्काइरोस, और वहीं पे इन्हें मतलब कि कोई इंसेक्ट था, इंसेक्ट के मतलब कि काटने से इन्हें क्या हो गया था, सेप्सिस हो गया था। मतलब कि सेप्सिस का मतलब होता है जो ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है, तो इनके पूरे बॉडी में ब्लड पॉइजनिंग हो गया था, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो मृत्यु होने के पहले इन्होंने एक सोल्जर नाम का मतलब कि जो ये है पोयम लिखा था, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन्हें जो था द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड सेड बाय WB Yeats। WB Yeats ने उन्होंने इनको बोला था हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, क्योंकि ये काफ़ी यंग थे, तो इनको WB Yeats के द्वारा ये कहा गया था। और इनका ये जो पोयम है द सोल्जर, वो संत पॉल कैथेड्रल है वहाँ पे इंग्लैंड में, वहाँ पे मतलब कि गाया जाता था। और जैसा मैंने पहले बताया है कि एक मतलब कि इस सोल्जर होते हैं मतलब कि और पैट्रियट्स वाली फीलिंग थी इनके पोएम में, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्हें पढ़ने से वहाँ के लोगों को ऐसा लगा और चीज़ें सामने आई कि हाँ ठीक है, जैसे हम लोग कहीं इंडिया में ही होता है, जैसे बातें होती हैं सोल्जर्स के प्रति जो सम्मान होते हैं, तो हम लोग को भी देखने को मिलता है, उन पर आर्टिकल आते हैं, हम लोग उनको पढ़ते हैं, काफ़ी करीब तरीके से उनको जानते हैं, उनके बारे में उनकी ज़िंदगी कैसी है, ये सब जस्ट लाइक अ मोटिवेशन की तरह हमारे ज़िंदगी में भी काम करता है। तो वैसे ही इनकी पोएम थे जो इन्होंने लिखा है रूपर्ट ब्रूक। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपना पोएम। पोएम 14 lines का है, आप देख लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है, वैसे अगर ना दिखे आपको क्लियर तो आप बुक में भी देख सकते हैं अपने। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी।
यहाँ पे रूपेट ग्रुप बताना चाहते हैं कि इफ आई शुड डाई, कि अगर मैं मरता हूं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मतलब कि आप लोग सोचिए, मतलब कि सिर्फ आप लोग मेरे बारे में सोचिए, ऐसा क्यों उन्होंने बोला है। तो आगे का लाइन हम लोग देखते हैं, दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। तो मतलब कि ऐसा क्यों सोचिए जहां पे मरते हैं वैसा, मतलब कि वो जो जगह होता है कि जैसे ये इंग्लैंड के थे और यहाँ पे ये डेथ कर गए थे, मतलब कि जो आइलैंड था स्काइरोस एक आइलैंड करके था, वहां पे वो डेथ कर गए थे। तो मतलब कि इनका कहना का मतलब है कि कोई भी सोल्जर हो, जैसे मतलब कि इंडियन सोल्जर हैं अभी, मतलब कि कभी भी अगर मान लीजिए कि हम मेरा मतलब कि इंडियन सोल्जर चाहे लड़ाई हो गया, वॉर हो गया पाकिस्तान के साथ, तो कुछ ऐसा भी होगा कि पाकिस्तान में जो सोल्जर इंडियन हो गए, इंडियन सोल्जर वो डेथ कर जाते हैं, तो वहां पे अगर डेथ कर जाते हैं तो जहां पे उन्हें दफनाया जाएगा, जहां पे उनका अंतिम संस्कार होगा, तो वो जो पाकिस्तान का लैंड होगा वो क्या हो जाएगा, इंडिया का ही लैंड हो जाएगा। ऐसा उनका बोलना था कि मतलब कि जो भी है जहां पे उन्हें फॉरेन फील्ड मतलब क्या होता है कि विदेशी जगह पे जहां पे उनको दफनाया जाएगा वो हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का ही हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, तो आगे देखते हैं, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। उसके बाद ये बताते हैं कि जहां पे इन्हें दफनाया जाएगा वहां का जो मिट्टी, जो वहां का जो रिचर का मतलब मैंने लिखा है कुछ मीनिंग, मतलब कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो टफ होगा मीनिंग, वहां पे देख लीजिएगा आप लोग। तो वहां का जो समृद्ध मतलब कि मिट्टी है, जो विदेश में जहां पे आप मतलब कि डेथ कीजिएगा, और जो आपके सरजमी की मिट्टी है, जैसे इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तान में जाके डेथ कर गए, तो पाकिस्तान की मिट्टी और इंडिया की मिट्टी वो दोनों क्या हो जाएगी, कंसील हो जाएगी। कंसील मतलब होता है सम्मिलित हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपके जो पार्ट्स हैं आपने सब कुछ यहां से ही सीखा है। पोएम में आगे डिस्क्राइब इन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो हम लोग देखेंगे। तो ऐसा ये मतलब कि जो हमारे पोएट हैं तो वो डील करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि अगर हम कहीं पे भी मर जाते हैं, मतलब कि अपने देश को छोड़ के विदेश में, तो वहां की जो समृद्ध मिट्टी है और हमारे देश की जो मिट्टी है वो दोनों क्या हो जाएगी, आपस में सम्मिलित हो जाएगी, क्योंकि उन्हें वहीं पे दफनाया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार वहीं पे होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम कहीं विदेश में मर गए, आप जहां मतलब कि सोल्जर्स डेथ कर गए, तो इन्होंने वो बताया है कि ऐसा आपको फीलिंग रखना है सारे सोल्जर्स को, या फिर जो भी है मतलब कि अपने निवासी वहां के, तो ऐसा सोचना है बिल्कुल कि मैं जहां पे डेथ कर जाऊं तो वो सारा जो प्लेस है जहां पे हमको दफनाया जाएगा, जहां पे अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो वो भी मतलब कि फॉरेन का ना होके उनके उनके सरजमी का होता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, मतलब कि कहना ये चाहते हैं कि जहां के मतलब कि डस्ट में, मतलब कि धूल में, मतलब कि इंग्लैंड के धूल में वो जन्म लिए, सेफ्ट मेड अवेयर, सेफ्ट मतलब कि उनका जो शरीर का बनावट हुआ, जैसे हम लोग अभी इंडिया में है तो इंडिया में हम लोग जन्म लिए, इंडिया के धूल कण में ही बड़े हुए हम लोग, अवेयर हुए, जागरूक हुए, सब कुछ सीखना मतलब कि सब कुछ यहीं पे हम लोग सीखे इंडिया में ही। उसके बाद है, गेव वंस हर फ्लावर टू लव, हर वेज टू रोम, तो गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, यहाँ के फूल पत्तियों जो भी हैं उनसे यहाँ पे उनको प्यार मिला, मतलब कि वो इंग्लैंड के थे तो इंग्लैंड का जिक्र करके बता रहे हैं। हम लोग जैसे इंडिया में, तो हम लोग इंडिया की बातें करेंगे, तो इंग्लैंड से ही उन्हें क्या मिला, प्यार मिला फूलों से, हर्वेज टू रोम, यहाँ पे मैंने रोम का लिखा है, वेज मतलब कि रोम का मतलब होता है घूमना फिरना, तो यहाँ पे है कि घूमने फिरने का जो भी रास्ता मिला वो किससे मिला उनको, वो भी इंग्लैंड से ही मिला। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और क्या था, इंग्लैंड की हवाओं में उन्होंने क्या किया, सांस लेना सीखा। उसके बाद है, वॉश्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, तो वॉश्ड बाय रिवर मतलब कि वहां की नदियों में नहाए, मतलब कि ये सारी चीजें चली। उसके बाद है कि ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है पवित्र धूप भी मिली उन्हें, जो मतलब कि घर में रहते हैं वहां से, वहां पे मतलब कि धूप वगैरह, फिर बाहर वगैरह भी जहां निकले तो वहां के धूप में मतलब कि वो बड़े हुए, वहां के नदियों में नहाए वहाए मतलब की चीजें चली। एट थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, सेड अवे मतलब वहां पर लिखा है, तो ये क्या होता है कि जैसे ही मतलब कि क्या होता है, आदमी की जो मृत्यु होती है तो वो सारी क्या होती है, बुराइयां वगैरह जो भी होती हैं सब खत्म हो जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अपल्सेस इन द इटर्नल माइंड नो लेस, और बोलते हैं कि अपल्सेस इन द इटर्नल माइंड मतलब कि जो भी जो चीजें हैं मरने के बाद, बता रहे हैं ये कि लोगों के दिलों और दिमाग से वो चीज मतलब कि क्या होगा, मेरे लिए बिल्कुल खत्म नहीं होगा, बिल्कुल समाप्त नहीं होगा, क्योंकि सोल्जर्स को हमको भी पता है कि अगर उनका डेथ हो जाता है, अगर बेचारे शहीद हो जाते हैं तो उनको कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है, हम सभी को पता है, बहुत सारी कंसर्न रहते हैं उनके प्रति, क्योंकि रियल हीरो जो होते हैं ना हमारे लाइफ के, तो वही होते हैं, वही डिजर्विंग होते हैं मतलब कि पर्सन, मतलब कि बिल्कुल जो रियल वाला होना चाहिए, तो वही उन्हीं के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं हमारे पोएट, और बता रहे हैं गिव सम वेयर बैक द
थॉट बाई इंग्लैंड गिवेन, और जितने भी थॉट्स वगैरह थे, जितने भी विचार थे, वो सब कहाँ से उनको मिले हैं? वो सब इंग्लैंड से ही मिले हैं। तो अगर वो कहीं और ही मर जाएंगे तो वो भी धरती क्या हो जाएगी? इंग्लैंड की हो जाएगी। इसी के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर बता रहे हैं हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे, और मतलब कि साइट्स और जो भी मतलब कि व्यू था, जो भी बोलने के लिए उन्होंने सीखा, जो भी खुशियां मिली, उनको कहाँ से मिली हैं? उनको वो इंग्लैंड की धरती से मिली है, इंग्लैंड के सरजमी से मिली है। एंड लाफ्टर लंच ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, मतलब कि जो भी उन्होंने सीखा है हंसना बोलना अपने दोस्तों के बीच में रह के, और जो भी जेंटलनेस का मतलब मैंने वहां पे लिखा है विनम्र, तो वो भी जो भी सादगी वगैरह सब कुछ सीखा है, वो सब कहाँ से सीखा है? वो सब इंग्लैंड की धरती से सीखा है। इसलिए वो बार बार बोल रहे हैं कि जब कभी भी अगर मैं मर जाऊं तो वो सब क्या हो जाए, वो लैंड जो है जहां पे वो मरेंगे वो सब किसका हो जाए? इंग्लैंड का ही हो जाए, क्योंकि सब कुछ उन्होंने इंग्लैंड में ही सीखा है। और लास्ट लाइन यही है, इन हार्ट एट प्लेस अंडर एंड इंग्लिश हेवन, और मतलब यही बोल रहे हैं कि मरने के बाद भी मतलब क्या होगा, उनके दिल में एक शांति रहेगी, क्योंकि मतलब कि जहां पे उनको दफनाया जाएगा वो जो है वो जगह क्या हो जाएगा उनके लिए, वो स्वर्ग हो जाएगा, इंग्लैंड का ही स्वर्ग हो जाएगा। तो बिल्कुल उनके दिमाग में ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं बाहर भी डेथ कर जाते हैं तो वो जो है जगह वहां पे मतलब कि उन्हें बुरा लगेगा या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होगी, वो बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हैं कि खुशनुमा माहौल रहेगा, और वो ऐसा फील करेंगे कि वो जो जगह है वो क्या हो जाए, वो इंग्लैंड का ही एक स्वर्ग है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये लेसन समाप्त होता है। और दोस्तों मैं लगातार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके हम लोग अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके सारे वीडियोज आपको प्रोवाइड कराए जाएँ, और जितने भी चल रहे हैं सारे चीज़ें अभी हम लोग सीक्वेंस तरीके से उसको एकदम लगातार कंटिन्यूसली आप लोग के सामने लेकर आ ही नहीं रहे हैं। तो आपको अगर जहाँ भी प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू।